हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन शिराज खान शो में आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आज के जो मेरे मेहमान हैं वो बहुत ही ख़ास हैं। जी हाँ, वो पंजाबी गानों के हैं, आन बान और शान, यही है दिलबाग पाजी की पहचान। वेलकम बैक दिलबाग पाजी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू शिराज भाई, आप अपना टाइम निकाल कर और अपनी टीम के साथ मेरे साथ मेरे घर पर आए, मुझे बड़ी खुशी है इस बात की। थैंक यू वेरी मच दिलबाग पाजी, आपने बहुत अच्छा वेलकम किया। और अब यहाँ से शुरुआत करते हैं, इनकी रियल लाइफ एक तरीके की मोटिवेशनल स्टोरी है जो हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे दिलबाग पाजी, कुछ आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में आप बताएं, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं और आपने स्कूलिंग कहाँ से की? बिलोंग मेरा बॉर्न एंड ब्रॉड सारा दिल्ली का है। मैं दिल्ली में ही पैदा हुआ, दिल्ली में मेरी स्टडी हुई, कॉलेज मैंने किया नहीं क्योंकि कॉलेज कर ही नहीं पाए, वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, ना तो इतने पैसे थे और ना ही घर का माहौल कुछ ऐसा था कि मेरी जो स्टडी का खर्चा है वो लोग घर वाले दे सकें। सो मेरा जेल रोड पे एक स्कूल है, सुखो खालसा सीनियर सेकेंडरी करके स्कूल है, वो बहुत बढ़िया एक स्कूल है, पंजाबी स्कूल है, मैं उसमें पढ़ा हूँ। मेरी 12th तक की पढ़ाई उसमें हुई है और उसके बाद सीधा काम पर लगे। तो बाजी, मतलब घर में कितने मेम्बर्स हुआ करते थे? मतलब मैं, मेरी सिस्टर, हम दो लोग थे और मेरी मम्मी डैडी, हम चार लोग थे। लेकिन घर के जो बहुत ही, मतलब आप ये कह सकते हो कि हम बहुत ज़मीन से हम शुरू हुए हैं, तो उस हिसाब से सिस्टर को पढ़ाया गया आगे, मैंने अपना पढ़ाई क्विट करी क्योंकि काम की ज़रूरत थी, काम पैसे की ज़रूरत थी घर पे। सो मैंने बहुत पहले से काम करना शुरू कर दिया था, तो भगवान की दया से सब कुछ ठीक चलता रहा और आज तक यहाँ तक पहुँचे। तो किस एज ग्रुप से आपने काम करने की स्टार्टिंग की? आफ्टर 12th के जब मैंने पेपर दिए थे, मुझे याद है। वैसे तो मैं 11th में भी मैंने काम किया था, जब मैंने 11th के पेपर दिए थे, छुट्टियाँ गर्मी में होती थी तो उसमें मैंने काम किया। हमारे भाई साहब हैं, उनकी एक फ़ैन की, पंखों की दुकान है जखीरा के पास, तो उनकी दुकान थी तो वहाँ पर काम किया। फिर एक फैक्ट्री थी उनकी, उसमें काम किया। मतलब ऐसे जैसे गर्मियों की छुट्टी हुई, 2-2.5 महीने हम फ्री हैं पेपरों के बाद, तो उसमें मैं काम कर लेता था, जो पैसा था वो इनकम घर की होती थी। तो लेकिन 12th के बाद जब मैंने पेपर दिए, क्योंकि 12th क्लास बड़ी बोर्ड होती है, तो मैंने अच्छे से पढ़ा, उससे मैंने पहले कोई काम नहीं किया। जब मैंने 12th के पेपर दे दिए तो उसके बाद मैंने काम करना शुरू किया। कमला मार्केट में उन्होंने, मेरे भाई ने एक और दुकान ले ली, पहुँचना 9 बजे फैक्ट्री में पहुँच कर वहाँ से उनका ऑर्डर जो हमारे होते थे कमला मार्केट के, वो उनको देने और अपनी बस पकड़ के वहाँ पहुँच जाना। दोपहर में वहाँ हमारे जो सामान था वो पहुँचता था, फिर लोगों की दुकानों तक पहुँचाना। तो ये काम था मेरा, ये मैंने काम लगभग 5-6 महीने मैंने ये काम किया। मतलब 2 साल में 2 महीने पहले और 5-7 महीने बाद में काम किया, क्योंकि सीजन वर्क हुआ करता था, सीजन वर्क था मैं। तो मेरी आगे कंपार्टमेंट जब मेरी आई, तो अब कंपार्टमेंट का पेपर देना, लेकिन आपके पास बहुत टाइम है, तो मेरे दोस्त ने बोला कि तू और कोई नौकरी कर ले, क्योंकि वो काम ख़त्म हो गया था जो मैंने आपको बताया कमला मार्केट वाला। तो मेरे दोस्त ने मुझे बोला कि किसी को ड्राइवर चाहिए, तू गाड़ी चला लेगा? तो मुझे गाड़ी ठीक ठीक चलानी आती थी, बहुत बढ़िया चलानी नहीं आती थी, पर मैंने उसकी गाड़ी का ड्राइविंग करनी शुरू करी और लगभग 4 महीने मैंने वो काम किया। फिर मैंने पेपर दिए और जब मेरे कंपार्टमेंट का पेपर मैंने रिजल्ट आया, मैं फिर से फेल हो गया। फिर से फेल हो गया, फिर मैंने री कंपार्टमेंट भरा, मैं अभी हारा नहीं। वेरी गुड, एक बार कंपार्टमेंट आई है, दूसरी बार फेल हो गया, तीसरी बार मैंने री कंपार्टमेंट भरी। तो फिर मैंने सोचा कि इससे ज़्यादा बेइज्जती अब नहीं हो सकती, कि अगर मेरे इंग्लिश में, एक्चुअली मेरे नंबर बड़े कम थे, इंग्लिश में ही मेरे कंपार्टमेंट थी, उसी में फेल हो रहा था बार बार। तो मैंने सोचा कि अगर अब भी ना पास कर पाया तो दोबारा कभी 12th नहीं कर पाऊँगा, फिर शुरू से करनी पड़ेगी। ऑलरेडी 1 साल मेरा ख़राब हो चुका था, तो मैंने फिर स्टडी पर ध्यान दिया और फिर मैंने खूब मेहनत करी, खूब मेहनत करके मैं 33 नंबर लेके पास हुआ फाइनली। अच्छा, तो वो आपकी जो प्रोफेशनल जर्नी थी वो कब स्टार्ट हुई? मतलब आपका जो आपने काम करना स्टार्ट किया, आपने सबसे पहले पंखों का काम किया, पर हाँ। आपके दिमाग में कब आया कि आपको कौन सी लाइन ज्वाइन करनी है और किस प्रोफेशन में? एक्चुअली प्रोफेशन, जो इस प्रोफेशन में जब मैं आया, तो ये मेरे मेरा कोई पैशन नहीं था कि मुझे सिंगर ही बनना है, या ये हमारा कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं था काम का, ये बड़ा डिफरेंट सा था, स्टेज था एक ऐसा कि काम, पैसों की ज़रूरत थी, कुछ काम करना था। तो भंगड़े के साथ बोलियां बोलनी होती है जब लाइव ढोल चलता, तो वो मैंने शुरू किया। उसमें मुझे शुरू में, मुझे याद है कि मुझे 100 रुपये मिलना शुरू हुआ, कि 100 रुपये एक परफॉर्मेंस का मिलेगा, लेकिन उसमें मज़ा आने लग गया। तो गाते गाते चलते गए और एक कंपटीशन आ गया,
कंपटीशन में क्या था कि दिल्ली के सभी लोग पहले होता था जैसे आज के इंडियन आइडल बनते हैं कुछ बनते हैं राइट right. पहले ऐसा होता था कि दिल्ली के दिल्ली में आर्टिस्टों का सिंगर का कंपटीशन हो रहा है आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो. तो एक जगह पर वो हो रहा था कंपटीशन जिसमें पंजाबी सिंगर को लेकर पॉप सिंगर को लेकर तब नया नया चलन शुरू हुआ था कि आप अगर आप पॉप गाते हैं तो आप आइए आप अपना गायकी का बताइए कि आप कितना स्किल आपके अच्छे हैं तो आपको कंपटीशन लड़ सकते हो. तो उसका मैंने ट्रायल देने के लिए गया. उस ट्रायल में मैं पास हो गया. अरे वाह. उस ट्रायल में पास हो गया ये गॉड गिफ्ट था क्योंकि मेरी सिस्टर एक्चुअली बचपन में गाती थी घर में तो मुझे थोड़ा शौक था गाने का लेकिन कभी पैशन होगा या प्रोफेशन होगा ये मैंने कभी सोचा नहीं था. मतलब बाथरूम सिंगर जिसे बोलते हैं. बाथरूम से बेटर गाता था मैं क्योंकि हमारे ब्लड में था क्योंकि मेरे हम पंजाबियों को ब्लड में म्यूजिक होता है. हाँ. तो बेटर ही गाता था बड़ा मैं और मैं थोड़ा बहुत सीखा भी हुआ था मेरी सिस्टर की वजह से क्योंकि वो चाहती थी कि मैं म्यूजिक करूँ. तो उसके बाद जब हमने भंगड़ा का कॉम्पिटिशन का मैंने फॉर्म भरा उसमें मैं ट्रायल में पास हो गया फर्स्ट ट्रायल में. तो सेकंड में उन्होंने मुझे सिलेक्टेंगे और डीएस पट्टी साहब थे हमारे उन्होंने वो फीस भर दी 1000 रुपया और मैंने कंपटीशन लड़ा. तो वहाँ से मेरा थोड़ा हौसला खुला और हमारे जो पट्टी बाजी थे उनका भी हौसला खुला. हालांकि मैं वो पैसे नहीं जीत पाया. अच्छा. जो 21000 रुपये था पर उनका हौसला खुल गया बड़ा. तो वो बोले कि यार तू अच्छा गाता है तुझे लोगों ने पसंद किया लोगों की वोटिंग हुई जजेस ने तुझे पसंद किया तू यही काम कर. तो मेरे फादर ने तो मुझे बोला कि बेटा ये तो पैशन हो सकता काम हो सकता ये आपका मेन बिजनेस नहीं हो सकता. ये बिजनेस अगर आपको मेन करना तो कोई हाथ का हुनर सीखो क्योंकि मेरे फादर अक्सर ये बोलते हैं. तो वो मेरे फादर ने खुद इंजीनियरिंग करी हुई थी तो वो कहते कि तू ऐसा काम कर. तो मैंने अब समझ ना क्या करूं पर मेरी मदर ने एक बड़ी कमाल की बात बोली कि अगर तुझे ये काम करना है तो इसको बहुत तरीके से सीख के करना है ऐसे नहीं करना नौसिखिया बन के नहीं आना तो और सीख और बढ़िया कर लेगा. right. कोई अच्छा गुरु ढूंढ उससे म्यूजिक सीखना शुरू कर फिर तू आगे बढ़ फिर ज़्यादा अच्छा लगेगा. कल को जब तुम काम करके आओगे तुम सीख के आओगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा. तो हमारे गुरु थे मिका जी के फादर दिलीप मनी साहब के फादर वो उस टाइम सिखाते थे म्यूजिक. तो मैं मिका जी से मैं को जानता था. मैंने उनको बोला कि मुझे म्यूजिक सीखना है तो उन्होंने बोला मेरे पापा जी से सीख लो. तो उनके पापा जी सिद्धार्थ अजमेर सिंह चंदन जी उनसे मैंने पहला लेसन लिया. तो लोगों का ये मानना है कि आप जैसे आपने मिक्का जी की बात छेड़ी कि उनके फादर से आपने म्यूजिक सीखा मगर लोगों को ऐसा अभी तक मालूम है कि मिक्का जी आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं और उनकी बहुत सपोर्ट रही है आपके करियर को बूस्ट करने में यहाँ तक पहुँचने में कहीं ना कहीं उनका हाथ रहा है या इस बात में कितनी सच्चाई है. सच्चाई ये है कि मिक्का जी मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे पहले तो मुझे वो बड़ा इंस्पायर करते थे. मैंने उनको बोला कि आप को मैंने गुरु बनाना तो उन्होंने बोला कि तू गुरु बनाएगा तो अपनी दोस्ती उस दिन खत्म हो जाएगी उस दिन के बाद तू मेरा शागिर्द हो जाएगा फिर हम बाप और बेटे वाला चलेगा मामला कि मैं बाप हूँ तू बेटा है. तो सोच ले हम दोनों की एज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था क्योंकि मुझसे 4-1 साल बड़े थे वो. तो मैंने उनसे बोला कि मुझे मंजूर है आप मुझे बनाओ शागिर्द बनाओ. तो उन्होंने मुझे शागिर्द बनाया प्रॉपर मैं उनका शागिर्द बना और शागिर्दी में मैंने पहले गुरु जो म्यूज़िक के बने वो मिका जी के फादर तो मेरे टीचर थे जो मुझे सिखाने आते थे वो फीस लेते थे मुझे म्यूज़िक सिखाते थे. जो पहला लेसन तो मिका जी के फादर ने दिया लेकिन जो असली जो मेरे गुरु बने जिसको हम बोलते हैं कि हमने पूरी प्रॉपर शागिर्दी करी जो हमारे में गंडा बांध के शागिर्दी करते हैं तो पूरी प्रॉपर म्यूज़िकल तरीके से हमने शागिर्दी करी वो मिका जी की शागिर्दी करी मैंने. फिर उनसे मैंने सीखा उनसे सीख के उनके साथ उनके पीछे काम भी किया बहुत साल काम किया और बड़ा कुछ सीखने को मिला. पर ऐसा नहीं है कि उनकी उनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा. मुझे गाने को सपोर्ट किया मुझे स्टेज पे बहुत कुछ सिखाया मुझे दुनियादारी बहुत सारी सिखाई मुझे बात करनी सिखाई मुझे कपड़े पहनने सिखाए बड़ा कुछ. मतलब उन्होंने जो ओवरऑल मेरी ग्रूमिंग करी उन्होंने वो जो 6 साल मैंने उनके साथ बताए उसमें जो मेरी ग्रूमिंग हुई वो आज तक मेरे काम आ रही है. और जिस दिन मैंने उनको छोड़ा उस दिन उन्होंने मुझसे पहली बात ये कही थी कि आज तू मुझे छोड़कर अलग हो रहा है अपना काम आज के बाद तू अपना काम खुद करेगा कोई काम मुझे नहीं बोलना या कोई काम की सपोर्ट के लिए मेरे पास नहीं आना. पर अगर तू कहीं जीवन में फंस जाए किसी काम में फंस जाए कोई दिक्कत परेशानी हो लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो फिर तू मेरे पास आइयो मैं तेरे लिए बैठा हूँ पर अपने दम पे बनना जो बनना है. सो वो बात मैंने अपने दिमाग में डाली हुई थी कि मैंने अपने दम पे बनना. 2004 में मैंने अपना मिका जी का बैंड छोड़ा था 98 में उनका बैंड बना था और उनका 98 में गाना आया था सावन में लग गया आग. 2004 में मैंने उनका बैंड छोड़ा 2004 से मैंने अपना काम अलग करना शुरू किया. पर मेरे करियर में मेरे गानों में उनका प्यार आशीर्वाद रहा है पर जो भी किया है वो उनकी दया से उनकी कृपा से
उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर मैंने खुद अपने दम पर किया। पाजी ये बताइए कि आपके करियर में जो मतलब सक्सेस जिसको हम बोलते हैं कि आपको लगता है ये वर्ड कहाँ से जुड़ना शुरू हुआ, काम तो सभी करते हैं इंडस्ट्री में और इंडस्ट्री में मेहनत भी कर रहे हैं, स्ट्रगल भी कर रहे हैं, बट आप जिस मुकाम पे आज पहुंचे हैं उसकी शुरुआत, उसकी पहला कदम कहां से आपको फील होने लगा कि अब हाँ मैं, मुझे ऐसा लगता है कि सक्सेस जो है जिसको मैं मानूं सही माने में मानूं कि मुझे काम अच्छा मिलना। देखो आप जब किसी काम के लिए किसी रेस में दौड़ रहे होते हैं, किसी काम के लिए चल रहे होते हैं, जब आपको सामने से उसके लिए कॉल आनी शुरू हो जाए तो इट मीन्स कि आप सक्सेस की सीढ़ी पर चढ़ गए। 2006 में मुझे शोज बहुत सारे मिलने शुरू हो गए, तो एक महीने में मैं कोई कई बार मैंने 28 शो भी किए हैं, 30 दिनों में 28 शो किए हैं, कई बार एक महीने में मैंने 32 शो किए हैं, 28, 25, 26 ऐसे शो हमने किए। अच्छा, जब आपने स्टार्ट किया था अपना बैंड तब आपने क्या बजट लिया करते थे आप? तब मैंने जब शुरू किया था तब तो कोई बजट नहीं था, तब तो जो मर्जी कोई दे दे। 2004 में तो ये था कि भाई साहब आप एक बार गवा के देखो, तो कई बार पल्ले से भी पैसा लगा और लोगों ने बोला कि आ जाइयो तुम वहाँ गाने, वहाँ एक शादी का शो है तो खाना वाना खा लियो साथ में गा लियो, तो ऐसा भी हुआ। वो भी किया, तो हमारे यहाँ के प्रेम भाटिया साहब हैं, बड़े मशहूर बंदे हैं, वो बड़े अच्छे बंदे भाई हैं। भाटिया साहब मुझे ले गए आगरा में, तो वहाँ पर उन्होंने मुझे गवाया, तो मैं अपनी गाड़ी लेके पहुँच गया बड़ा तैयार शर होकर कि भाई शो पे गाना है। दोपहर में चले 12 बजे, 4-5 बजे वहाँ पहुँच गया, 7 बजे शो किया, वहाँ से वापस आए तो मैंने बोला जी पैसे, वो कहते पैसे कैसे, तू कहा था गा के दिखाइयो, तो ऐसा भी हुआ। तो बजट तो कुछ नहीं था, पर जब 2006 के आते आते तो मैंने तब हमने जैसे हमने 30-35 हज़ार मांगना शुरू कर दिया, तो 25-30 हज़ार रुपये मिलना शुरू हो गया। मेरा बैंड बहुत बड़ा था तब, मैंने 12-13 लोग मेरे साथ काम करते थे, तो ऑन एन एवरेज सबकी जो पेमेंट थी वो थी 1500 पेमेंट होती थी। तो अगर 20 हज़ार मिलते थे तो 20 हज़ार तो इसी में जाते थे मेरे, तो ऊपर के जो पैसे आते थे वो मेरे बचते थे, तो मान के चलो कि 5-6 हज़ार मैं तब कमाता था। तो उस टाइम में तो बहुत था, उस टाइम में बहुत था, लेकिन उसकी एवरेज बहुत बढ़ गई थी। आप देखिए कि मैंने महीने में अगर 25 दिन भी काम किया और मैंने 5 हज़ार भी कमाया, तो मैंने उस टाइम के हिसाब से मैंने बहुत अच्छे पैसे कमाए, मतलब 1 लाख से ऊपर बनता था 5 हज़ार के हिसाब से भी 2006 में। हाँ, ऑब्वियसली आज से लगभग 14-15 साल पहले, मुझे लगता कि 2006 से ही मेरी सक्सेस शुरू हुई। सिल्वा पाजी, अब हम आपके साथ करते हैं एक रैपिड फायर क्वेश्चन आंसर राउंड। वन क्रेजीएस्ट थिंग यू हैव डन इन योर लाइफ। बहुत सारी करी हैं वैसे तो मैंने, लेकिन सबसे ज़्यादा क्रेजीएस्ट थिंग जो मैंने करी है वो मैंने ये करी है कि मैंने पैराग्लाइडिंग करी थी एक बार, और मैंने सोचा था कि अगर मैं खोल दूँ जो गोवा में होती है छतरी लगाकर, मैंने बोला कि अगर मैं खोल दूँ तो कितना नीचे करूँगा, कितनी चोट आएगी, और ये बात मैं जो मेरे साथ मुझे उड़ा रहा था मैंने उसको बताई। अच्छा। कि मैं ये करना चाहता हूँ, तो उसने मुझे बड़ी मुश्किल से रोका। वन थिंग दैट यू स्केयर्ड द मोस्ट। नेवर स्केयर्ड, मुझे कभी किसी चीज़ से डर लगता, हाँ लेकिन मुझे जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो मैं सो नहीं सकता गाड़ी में स्पेशली, तो मुझे वो लगता है कि मुझे गाड़ी में जागना चाहिए क्योंकि मैं सोते हुए ट्रैवल नहीं कर सकता। विच कलर ऑफ अ वार्डरोब यू हैव। एवरी कलर आई हैव। मेरी पगड़ियाँ देखिए, मेरे कलरफुल, मेरे घर का कलर देखिए, मैं पूरा कलरफुल मैन हूँ। ओके, वन थिंग दैट यू हैव नॉट शेयर विद एनीवन। बहुत सारी चीज़ें मैंने बहुत सारे लोगों से शेयर नहीं की हुई, और वो जो शेयर नहीं कही तो वो शेयर करने का फ़ायदा भी कुछ नहीं है। ओके, टेल मी योर एम्बैरेसिंग मोमेंट। एम्बैरेसिंग मोमेंट लाइफ में ये थी कि मैंने रोहतक के पास करनाल में एक कॉलेज का शो मैंने किया था, तो चलते चलते शो पर वो मेरी जो पैंट थी वो पीछे से फट गई। अच्छा। और जिसका मुझे, मैंने जंप किया और वो डांस करते करते वो फट गई, और उसको छुपाने के लिए मुझे 15 मिनट तक सीधा सामने मुंह रखना पड़ा, मैं पीछे देख ही नहीं पाया। फिर मैंने अपने बैंड के जो मेरा ब्रदर है उसको बोला, कज़न को, कि मेरी अपनी पैंट दे, तो हम दोनों गाते गाते नीचे गए, उसने मेरा माइक पकड़ा, मैं गाता रहा और मैंने फटाफट चेंज करके ऊपर स्टेज पे आ गया, तो उसके लिए हमने पैंट अपने होटल से दूसरी मंगाई। तो ये वो 15 मिनट जो मैंने बिताए पीछे, क्योंकि जो पीछे खड़े हैं वो सब कुछ दिख रहा है, वो भी हंस रहे हैं, और जो आगे है उनसे बचना है, तो वो बड़ा एम्बैरेसिंग था मेरे लिए। ओके, व्हाट इज योर निकनेम। मेरा निकनेम बंटी है, और घर वाले, मेरी मदर मुझे बंटी बुलाती है, हमें नहीं पता था, मेरी दादी मुझे बंटी बुलाती थी, तो मेरी दादी ने मेरा नाम रखा था बंटी। लास्ट टाइम यू लाफ्ड वेरी हार्ड। मैं हमेशा बहुत हंसता हूँ, मुझे तो लास्ट टाइम तो मैंने शायद रात को ही होगा, तो मैं तो हमेशा हंसता रहता हूँ, मेरा नाम ही दिलबाग सिंह है, तो दिल का बाग हूँ मैं, तो मैं हंसता रहता हूँ, हंसाता रहता हूँ, यही मेरा काम है। डिस्क्राइब योर सेल्फ इन वन वर्ड। सेल्फ मेड। इफ यू आर नॉट अ सिंगर व्हाट वुड यू बी। मेरे ख्याल से मैं ड्राइवर होता,
कोई गाड़ी चला रहा था, बहुत बढ़िया गाड़ी चला रहा था, शायद ट्रेन चला रहा था, हवाई जहाज तो नहीं चला रहा था। योर ग्रेटेस्ट अचीवमेंट? मेरी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट थी जब मैंने अपनी पहली गाड़ी खरीदी थी अपने पैसों से, कैश में। वो मेरी पिजारो गाड़ी मैंने ली थी, उससे पहले मैंने गाड़ियाँ फाइनेंस ली थी, लेकिन जब मैंने पिजारो, मेरी ऐसी गाड़ी थी जब मेरे पास ऑलरेडी दो तीन गाड़ियाँ थी और मेरी फेवरेट गाड़ी थी पिजारो, कि मुझे पिजारो लेनी है लाइफ में एक बार। तो वो गाड़ी जब हमने लगातार बहुत सारे एक शो किए 2011-12 में, मैंने बहुत शो किए उस दौरान, तो उस दौरान मैंने वो गाड़ी खरीदी थी कैश में और सामने पेमेंट रख के उसी टाइम गाड़ी की, मुझे अभी गाड़ी लेके जानी है। तो वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट मुझे लगती है आज तक की। वन सॉन्ग विच डिस्क्राइब यू मोस्ट? थोड़ी जिनी पीती है, एक बार गा के हो जाए। थोड़ी जिनी पीती है, चोरी नहीं कीती है, ओ यारो कमीनो मैनु ता संभालो, आई डोंट वांट टू फॉलिंग डाउन। निनी जय पीती है, क्या बात है। इफ यू वर अ मिलियनेयर व्हाट वुड यू बाय? आई बाय अ ग्रेट हाउस फॉर माय मॉम एंड डैड। वेरी नाइस। ओके, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग आई नोटिस अबाउट द अपोजिट जेंडर? मुझे आंखें सबसे ज्यादा सुंदर लगती हैं। मैं सबसे पहले आंखें नोटिस करता हूं कि आंखें सुंदर होनी चाहिए, क्योंकि आंखें आपकी पूरी कहानी बयान कर देती है। योर फेवरेट प्लेस टू ईट? मुझे रजौरी में गोलगप्पे बड़े पसंद है। एक जगह है रजौरी में, वो छोटा सा ठेला लेके भाई खड़ा होता है, तो वो जहाँ गोलगप्पे वाली गली है रजौरी की, वहाँ पर छोटा सा ठेला लेके खड़ा होता है। मुझे वो गोलगप्पे बड़े पसंद है और मैं हफ्ते में 3-4 बार खाने जाता हूँ। ओके, व्हाट मेक्स यू एंग्री? मुझे जो फेक सिंगर हैं, जो सिंगर नहीं हैं और जो सो कॉल्ड डीजे बेस बैंड के सिंगर बने हुए हैं, मुझे वो उन पे बहुत गुस्सा आता है कि भाई तुम सीधा बोलो कि हम वी आर नॉट सिंगर, वी आर जस्ट एंटरटेनर। चलेगा आप बोलते कि हम डीजे बेस बैंक का ये हमारा मेल लीड सिंगर है, वो वही वही चीक चला रहा था, तो वो मुझे बड़ा गुस्सा आता उन पर, क्योंकि वो अपने प्रोफेशन को, अपने काम को डिस्क्राइब सही नहीं कर रहे। उनको सही तरीके से बताना चाहिए कि वो एक्चुअली में क्या है। व्हाट एज यू वांट टू रिटायर? 55। ओके, व्हाट कॉम्प्लीमेंट डज पीपल गिव यू द मोस्ट? लोग मुझे बड़े सारे कॉम्प्लीमेंट वैसे तो आते हैं, पर जो मुझे अच्छा लगता है वो ये है कि आई एम अ गुड ह्यूमन बींग, आई एम सॉफ्ट हार्टेड, आई एम वेरी लाइट, आई एम वेरी डाउन टू अर्थ। मुझे ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे, मैं हूँ ही ऐसा। तो लोगों ने कहा आपको लोग मुझे बोलते सबसे ज़्यादा ये वाले वर्ड, और मुझे अच्छा भी लगता है, और ये सबसे ज़्यादा मुझे कॉम्प्लीमेंट यही वाले मिलते हैं। अच्छा, इन द एंड, अब एक ऐसी बात हमारे इस प्रोग्राम के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया है ये चीज़, आप शिराज भाई ने नया काम शुरू किया है, अच्छी बात है, क्योंकि लॉकडाउन में लोगों ने अपने आप को उसको बोलते कि आत्मचिंतन किया कि हम इसके अलावा और क्या कर सकते हैं। हमने जब एक चीज़ का ब्रेक लगता है तो हमारा ब्रेन और रस्ते खोलता है, तो आपने और रस्ते खोले हैं, और मैं दुआ करूँगा कि आपने जो सबके इंटरव्यू हो वो ये आपके चैनल पर जाएँ, बहुत सारे लोग ये चैनल देखें, सब्सक्राइब करें, और आपको, हमें और बाकी जितने लोगों के आप इंटरव्यू करें, सबको बहुत सारा प्यार दें। थैंक यू सो मच। और दिलबाग बाजी से बात करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर दिलबाग सिंह की स्टोरी आपको वाकई में मोटिवेट करती है, इंस्पायर करती है, तो प्लीज़ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।